हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं डेली ऑब्जर्वर्स। अभी हम फिलहाल सन बाथ ले रहे हैं। इतना अच्छा मौसम है, काफ़ी दो तीन दिन से इतना अच्छा मौसम नहीं था, बहुत रेन्स वगैरह हो रही थी, क्लाउडी था, लेकिन आज सनी डे है तो हम उसका पूरे अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइस, अभी हमने अपनी दादी माँ के साथ जाना है बूस्टर डोज लगवाने के लिए, कोविड प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ चलते हैं। उसके बाद हमें जाना है अपनी थार की अलाइनमेंट कराने के लिए। अलाइनमेंट कराते हैं, सब आपको दिखाते हैं अपने साथ। तो गाइस, दादी आ गए हैं, अब हम दादी को जाएंगे लेके वैक्सीनेशन के लिए, बूस्टर डोज के लिए। आओ तो दादी, आपकी दोनों वैक्सीनेशंस हो गई हैं? हो गई हैं जी। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? डिस्पेंसरी में। क्या करने? वैक्सीन लगाना। वैक्सीन तो दो लग गई है, तीसरी डोज। तीसरी कौन सी है? तीसरी यहाँ बूस्टर होती है, वो लगवानी है आपने? जी जी, चलो चलते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से दादी को बूस्टर डोज लगेगी, तो अभी अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस, हम वापस आ चुके हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो बूस्टर डोज थी, मतलब मेडिसिन थी उनकी, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4 और हमें जाना था सुबह। दादी को मैंने इतनी बार बोला चलो चलो चलो, बट दादी को रेडी होना था, रेडी होके जाना था, अपनी पर्सनैलिटी निकाल के जाना था। तो अब दादी की वजह से हम हो गए हैं लेट। अब आज का काम पोस्टपोन हो गया कल पे, और कल दादी को लगेगी बूस्टर। तो गाइस, हम घर वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप सबने देखा कि दादी को वैक्सीन नहीं लगी, तो कल हम दादी को वैक्सीन लगवाने जाएंगे, क्योंकि बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। आप सबको भी पहले 2 वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और उसके बाद बूस्टर डोज कंपलसरी लेनी चाहिए। तो गाइस, अभी हम चलते हैं, अपनी थार निकालते हैं और हम चलते हैं अलाइनमेंट कराने और व्हील रोटेशन कराने। जैसे कि आपको पता है कि थार इतनी कंफर्टेबल नहीं है ओल्ड पीपल्स के लिए, तो इसीलिए दादी कहती है कि मैं थार में नहीं जाऊंगी, मेरे को सियाज में जाना है। तो इसीलिए हमने सियाज निकाली, अब सियाज पाक कर दी है, अब हम थार निकालते हैं और चलते हैं MRF स्टोर में, वहाँ से व्हील अलाइनमेंट कराते हैं और व्हील बैलेंसिंग वगैरह सब कराते हैं और व्हील रोटेशन कराते हैं। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हम MRF पहुंच चुके हैं, हमारा व्हील रोटेशन स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली मैंने अपनी स्टेपनी, जो ये अभी भैया उतार रहे हैं, ये मैंने यूज़ करी थी दूसरे टायर की जगह में, क्योंकि मैं ऐसी जगह में कहीं फंस गया था जहां पे कोई भी शॉप नहीं थी, मुझे खुद खोल के खुद रोटेट करना पड़ा। तो गाइस, आप देखिए थार टायर के बगैर कैसी लग रही है, ऐसी लगनी थी टायर के बगैर। तो फ्रेंड, जो ऑब्जेक्ट ये भैया लगा रहे हैं चारों व्हील्स में, ये सिग्नल डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो गाइस, डेस्कटॉप में अपना नाम ढूंढा हमने था 2020, तो अब ये डेस्कटॉप में पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रेड आएगा, नहीं तो ग्रीन आएगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ग्रीन आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी फिर भी एक बार भैया बोल रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ अच्छे से। तो गाइस, स्टेयरिंग में स्टेयरिंग कंट्रोल रखा है जिससे स्टेयरिंग बिल्कुल स्टेबल रहे, हिले नहीं। यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, तो हम इसके आगे खड़े नहीं हो सकते, भैया ने मुझे रोका यहाँ पे खड़े होने से, तो हम साइड हो जाते हैं। तो गाइस, हम घर वापस आ चुके हैं। जैसे कि हम अभी MRF से वापस आए हैं, वहाँ के वर्कर ने हमें बोला कि आपकी कार बिल्कुल ओके है, अलाइनमेंट में कोई फर्क नहीं है, वो आपको वहम था। तो वैसे ही था, मुझे वहम था कि मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड को खींचने हो रही है, बट उन्होंने जब कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट किया तो पूरे सिग्नल ऑल राइट, मतलब बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं था जो टेंशन देने लायक था। मुझे था कि नई गाड़ी है, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, बट वैसा कुछ नहीं था। बट गाइस, कभी भी आपको ऐसा कुछ भी शक होता है अपनी कार में, तो उसे ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि ये कार है, ये इसमें आप घूमते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का मामला होता है,
तो कार को ज़रूर अप टू डेट रखिए, उसकी सर्विस कर रही है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और मैं अपनी ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।